हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में करी पत्ती के पेड़ की देखभाल और इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। मेरा यह वीडियो दोस्तों ध्यान से देखें और आप अपने करी पत्ते के पेड़ को कैसे बुशी यानी घना बनाएं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। मित्रों, इसे मीठी नीम भी कहते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कड़वे अनुभव से दूर रहना है तो जरूर मीठी नीम खाना है। मित्रों, करी पत्ते का प्रयोग दक्षिण भारतीय व्यंजनों में खूब किया जाता है। अब तो करी पत्ता हमारे किचन का एक बहुत ही बढ़िया और जरूरी इंग्रेडिएंट है। हम प्रतिदिन करी पत्ते का प्रयोग अपने व्यंजन में करते हैं और इसकी खुशबू हमारे जायके को बढ़ा देती है। मित्रों, करी पत्ते का पेड़ औषधीय गुणों से भी युक्त होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग आप यदि करते हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। क्यों ना हम इसके फायदे जान लें। मित्रों, यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं तो करी पत्ता अपने भोजन में जरूर शामिल करें और ब्लड शुगर को नियंत्रित करें। मित्रों, खांसी एवं सूखी खांसी में भी इसका सेवन बहुत फायदेमंद है। इसके सेवन से वजन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मित्रों, करी पत्ता आयरन एवं फॉलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत है। इसका सेवन एनीमिया जैसी बीमारी से भी बचाता है। मित्रों, प्रतिदिन करी पत्ता खाने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। बालों को काला घना और मजबूत बनाने में भी इसका प्रयोग असरदार है। मित्रों, अगर आपको पाचन संबंधी समस्या हो या फिर दस्त लग रही हो तो करी पत्ते को पीसकर छाछ में मिलाकर पिए, यह पेट की गड़बड़ी को भी शांत करेगा और पाचन संबंधी समस्याओं का भी निदान कर देगा। मित्रों, करी पत्ते के पौधे को कम से कम 4-5 घंटे धूप में जरूर रखें। गर्मियों में ज्यादा धूप भी पौधे के लिए हानिकारक है, इसलिए ज्यादा धूप की स्थिति में पौधे को शेडेड एरिया में रखें, फिर धूप में अगले दिन निकाल दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, आजकल सर्दियों का मौसम है, करी पत्ते के पौधे को कोहरे यानी फॉग से बचाएं। फॉग की स्थिति में पौधे को शेडेड एरिया में रखें या किसी कपड़े या पॉलिथीन से ढकें। मित्रों, अभी सर्दी का समय है, केवल मिट्टी को नम रखें। देखिए, मिट्टी इसकी नम है। मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें। बीच बीच में यानी कभी कभी पौधे को सुबह या शाम को यानी बिफोर सनराइज या आफ्टर सनसेट शावरिंग करें। शावरिंग करते समय पत्तियों में अगर मिट्टी लगी हो या कीड़े लग रहे हों तो हाथ से जरूर साफ कर दें। मित्रों, पौधे को घना बनाने के लिए बीच बीच में पिंचिंग की कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे ये बीच में ये पत्ती निकली हुई है, इसको बीच से तोड़ दें। इससे आपका पौधा आगे चलकर काफी घना हो जाएगा। देखिए, इसमें भी बीज की ब्रांच को निकाल दीजिए और इससे एक दिन आपका पौधा काफी घना हो जाएगा। साथ ही साथ पौधे की प्रूनिंग भी करते रहना है। प्रूनिंग का मतलब, अगर कोई पत्ती सड़ी है, कोई ब्रांचेस खराब हो रही है, कीड़े लग रहे हों पत्तियों में, तो उनको आप हमेशा निकाल दें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इससे पौधे की ग्रोथ
अच्छी होगी और आपके पौधे हेल्दी होंगे। 15 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई अवश्य करें और ध्यान रखें कि जो इसकी जड़ है, देखिए इस जड़ से थोड़ा दूर ही खुरपी को रखें और खुरपी ज्यादा गहरे ना लेके जाएं। अगर ज्यादा गहराई में जाते हैं आप और जड़ के पास लेके जाते हैं तो इसके यानी जड़ के रेशे कट सकते हैं, जड़ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए मित्रों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय जड़ को और रेशे को हमेशा बचा कर रखें। गुड़ाई करने के बाद में मित्रों इसमें देखिए ये गोबर की खाद है, पुरानी खाद, इसको एक मुट्ठा ऐसे लेकर के और डाल दें और मिट्टी में मिला दें। ध्यान रहे आप अगले दिन सुबह इसमें पानी दे दें। मित्रों ध्यान रहे गुड़ाई की कार्यवाही जब भी करते हैं आप शाम को ही करें। दूसरा आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है। साथ ही साथ मित्रों बीच बीच में यानी कुछ दिनों के अंतराल पर आप काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालें। अगर आप काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपके पौधे यानी आपके बगीचे के पौधे हेल्दी होंगे, साथ ही साथ घने भी होंगे और अगर फूल के पौधे हैं तो उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। अगर वेजिटेबल के पौधे हैं और आप लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं काउडंग केक का तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मित्रों मैंने काउडंग केक के लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने की विधि का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला है, आप देखकर अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों अगर करी पत्ते के पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो हल्दी यानी टर्मरिक के घोल का छिड़काव और फिर उसी समय काउडंग केक की राख का छिड़काव हर 10 दिन में जरूर करें। देखिए मित्रों काउडंग केक की हमने राख बना रखी है और इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है। मित्रों अगर आप करी पत्ते का पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसे बीज से भी उगा सकते हैं, कटिंग्स से भी यह ग्रो होता है और नर्सरी से भी पौधा खरीदकर आप ला सकते हैं और घर में लगा सकते हैं। मित्रों लेकिन घर के गमले में पौधा उगाने के लिए मिट्टी का कंपोजिशन बहुत जरूरी है कि मिट्टी का कंपोजिशन सही हो। तो इसमें एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग सैंड और एक भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का लेना है। मित्रों इसमें एक टीस्पून हल्दी या टर्मरिक का भी जरूर मिलाना है। अब सभी को अच्छी तरह मिक्स करके गमले में भरें। गमले में भरने से पहले गमले या पॉट में ड्रेनेज होल होना जरूरी है, यह जरूर इंश्योर करें जिससे कि ड्रेनेज होल से एक्सेस वाटर जो आप गमले के अंदर डालते हैं वो निकल सके। मित्रों आपने यह भी ध्यान रखना है कि गमले के अंदर ड्रेनेज होल के ऊपर कोई पत्थर का टुकड़ा रखकर तभी मिट्टी को भरें जिसे आपने मिक्स किया हुआ है। अगर मिट्टी का कंपोजिशन अच्छा होगा तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और हल्दी वैसे भी कीटनाशक है, यह पौधों को कीटाणु और फंगस से बचाती है। मित्रों जब करी पत्ते का पौधा हमारे व्यंजन के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए इतना उपयोगी है तो हम क्यों ना इसे अपने घर के बगीचे में आज ही लगा लें। मित्रों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।